जय हिंद दोस्तों, आईपीएल 2023 का एक और शानदार मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला गया, जिसे मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, मुंबई की जीत के बाद पॉइंट टेबल में बड़ा फायदा हुआ है, तो वहीं बेंगलोर, लखनऊ और राजस्थान को तगड़ा झटका लगा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल गुलाब क्रिकेट में। दोस्तों, आज आईपीएल का अहम मुकाबला पॉइंट टेबल में नंबर 6 पर बेंगलोर और 8 पर मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। जो टीम जीतेगी उसको पॉइंट टेबल में तगड़ा फायदा होगा, इसलिए ये मुकाबला काफ़ी महत्वपूर्ण था। बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में मुंबई को 200 का लक्ष्य दिया। मुंबई के लिए यह लक्ष्य छोटा पड़ गया। सूर्या की ताबड़तोड़ और शानदार पारी की बदौलत 21 गेंद शेष रहते ही ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। मुंबई की जीत के बाद जहां कुछ टीमों को फायदा हुआ है, वहीं कुछ टीमों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे पॉइंट टेबल का समीकरण विस्तार से समझाएंगे कि कौन टीम कितने मुकाबले जीतने पर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी, पर्पल और ऑरेंज कैप किसके पास है, सभी जन अहम जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, 10वें नंबर पर हैदराबाद की जीत से दिल्ली पहुंच गई है, जिसने 10 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबलों में जीत और 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके 8 पॉइंट है और नेट रन रेट -0.529 है। अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है तो बचे हुए मुकाबलों में से सभी मुकाबले जीतने पड़ेंगे। वहीं दोस्तों, 9वें नंबर पर हैदराबाद पहुंच गई है, जिसने 10 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबलों में जीत और 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके 8 पॉइंट हैं और नेट रन रेट -0.472 है। अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है तो बचे हुए मुकाबलों में से सभी मुकाबले जीतने पड़ेंगे। वहीं दोस्तों, 8वें नंबर की बात करें तो KKR है, जिसने 10 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबलों में जीत और 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसके कुल 8 पॉइंट हैं और इसका नेट रन रेट -0.103 है। अगर इसको प्लेऑफ में जगह बनानी है तो बचे हुए मुकाबलों में से सभी मुकाबले जीतने पड़ेंगे। वहीं दोस्तों, 6वें नंबर की बात करें तो पंजाब किंग है, जिसने 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 मुकाबलों में जीत और 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, पंजाब के 10 पॉइंट है, इसका नेट रन रेट -0.472 है। इसको दोस्तों बचे हुए मुकाबलों में से 4 मुकाबले जीतने ही पड़ेंगे। वहीं दोस्तों, 6वें नंबर, जिसने 10 मुकाबले खेले हैं और 5 मुकाबलों में जीत और 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जिसका पॉइंट 10 है, वहीं नेट रन रेट की बात करें तो -0.454 है। अगर इसको दोस्तों प्ले ऑफ में जगह बनानी है तो बचे हुए मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीतने ही पड़ेंगे। वहीं दोस्तों, 5वें नंबर की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है, जिसने 10 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबलों में जीत और 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसके 10 पॉइंट हैं और नेट रन रेट की बात करें तो -0.209 है। अगर दोस्तों प्लेऑफ में जगह बनानी है तो बेंगलोर को कम से कम बचे हुए मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीतने ही पड़ेंगे। 4थे नंबर पर राजस्थान रॉयल है, जिसने 11 मुकाबले खेले तो बचे हुए मुकाबलों में से 3 मुकाबले 6 मुकाबलों में हार का सामना। वहीं दोस्तों, 3रे नंबर की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट है, जिसने 10 मैच खेले हैं, 5 मुकाबलों में जीत और 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके 11 पॉइंट है और नेट रन रेट की बात करें तो +0.639 है। अगर लखनऊ को प्लेऑफ में जगह बनानी है तो बचे हुए मुकाबलों में से कम से कम 2 मुकाबले जीतने ही पड़ेंगे। वहीं दोस्तों, 2रे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग पहुंच गई है, जिसने 11 मुकाबले खेले हैं और 6 मुकाबलों में जीत और 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके 13 पॉइंट है और नेट रन रेट की बात करें तो +0.409 है। अगर दोस्तों चेन्नई को प्लेऑफ में जगह बनानी है तो बचे हुए मुकाबलों में से 2 मुकाबलों में जीत हासिल करनी पड़ेगी। पहले नंबर की बात करें तो गुजरात टाइटन का भी है, जिसने 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 8 मुकाबलों में जीत और 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके 16 पॉइंट हैं और नेट रन रेट की बात करें तो +0.951 है। दोस्तों, प्लेऑफ की टिकट की रेस में गुजरात टाइटन पहुंच चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसके पास है। दोस्तों, ऑरेंज कैप फाफ डु प्लेसी के पास है, जिन्होंने सबसे ज्यादा 511 रन बनाए हैं। वहीं दोस्तों पर्पल कैप की बात करें तो तुषार देशपांडे के पास है, जिन्होंने 19 विकेट लिए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी वो 4 टीमें होंगी जो प्लेऑफ में जगह बनाएंगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी कीमती राय अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।